एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो ये दो क्वेश्चन आज दोस्तों अपने इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए कि जो साइन बी प्लस सी बटा दो है इज इक्वल टू में कोस ए बटा दो होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करना है अपने को। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अब देखो ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण दिए गए हैं, ठीक है। तो त्रिभुज अगर ये है तो इसके अंतः कोण कौन से होंगे ये, और तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कारण ये है इसका कि ए बी और जो सी है, ठीक है ना, ये तो गिवन है अपने को, ये क्या है त्रिभुज के अंतः कोण है। तो त्रिभुज के अंतः कोण अपने को दिए गए हैं, ठीक है। और अपने जानते हैं कि जो अगर अपने इन तीनों को जोड़ दें, ए को बी को और सी को, तो कितना आ जाएगा टोटल 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, देखो साइन बी प्लस सी बटा दो और कोस ए बटा दो, ठीक है। तो अपने ये लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो करेंगे और ये चीज़ अपने पास अपने आप ही क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। जैसे फॉलो अप कैसे करना है, देखो बी प्लस सी इस साइड है लेफ्ट में और राइट में क्या है ए, तो यहाँ पर बी प्लस सी को पढ़ा रहने दो और ए को भेज दो राइट में 180 माइनस ए। उसके बाद क्या है बी प्लस सी बाई टू, तो क्या कर दो दोनों पक्षों में दो का भाग, तो दो का भाग जैसे ही करेंगे तो यहाँ तो क्या आएगा बी प्लस सी बटा दो और ये क्या आएगा 180 माइनस ए बटा दो, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी बटा दो इक्वल टू में 180 बटा दो माइनस ए बटा दो, ये आएगा बी प्लस सी बटा दो, 180 बटा दो का मतलब 90 माइनस ए बटा दो, ओके। अब देखो बी प्लस सी बटा दो के साथ में क्या पड़ा है साइन, जबकि अपने पास यहाँ पर सिर्फ बी प्लस सी बटा दो है, मतलब साइन अपने को चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा अपने को दोनों पक्षों में साइन लेना होगा, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो साइन लेंगे जैसे ही अपने, तो यहाँ क्या आएगा साइन बी प्लस सी बटा दो और इक्वल टू में क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस ए बटा दो। तो लेफ्ट में तो आ जाएगा साइन बी प्लस सी बटा दो। अब ये एक फॉर्मूला है, कौन सा, साइन 90 माइनस ए, पूरक सूत्र याद कीजिए कोस ए, तो इसको अपने क्या लिख देंगे यहाँ पर कोस ए, और ए की वैल्यू इज इक्वल टू में कितनी है ए बाय टू, तो ए अपने पास है ए बाय टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू में कोस ए, तो ये आ जाएगा कोस ए बाय टू। तो जो चीज़ अपने को सिद्ध करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ सिद्ध हो चुकी है, हेंस प्रूफ, ठीक है। देख लीजिए अपने को सिद्ध करना था कि साइन बी प्लस सी बटा दो इज इक्वल टू में कोस ए बाय टू, तो यही चीज़ अपनों ने सिद्ध कर दी है कि साइन बी प्लस सी बटा दो इज इक्वल टू में कोस ए बटा दो। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि साइन 67 और कोस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अब देखिए इसे कैसे करना है, तो अपने पास है क्या गिवन, क्या दिया तू साइन 67 प्लस कोस 75, ये चीज़ अपने को गिवन दी हुई है। तो उसके बाद क्या करेंगे अपने, देखिए 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 23, और कोस 75 को क्या लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 15। अब ये फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू में क्या होता है कोस ए, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू में क्या होता है साइन, तो बस ये चीज़ अप्लाई कर देनी है। तो साइन 90 माइनस ए, ए इज इक्वल टू में 23, तो ये हो जाएगा कोस 23, और कोस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन 50। तो अब देखो 23 और 15 दोनों ही क्या है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण, तो इस प्रकार अपने क्या कर देंगे इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे और ये कैस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्लियर हो गया। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक का कोई अगर आपको वीडियो देखना है, कोई बुक में है, आउट ऑफ बुक है, ठीक है, तो आप टॉपिक का नाम डाल दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा।
थैंक यू।